कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी। जय विठला 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 पंडरपुर महाराज की जय। पंडरपुर महाराज की जय। रुक्मई माई की जय। जय विठला जय विठला। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व आमदार नरेंद्र महतो द्वारा मीरा भाईंदर शहर में पंडरपुर तक यहां पे मंदिर बनाया गया था। मैं आपको बता दूं, जो पंडरपुर भक्त नहीं जा पा रहे थे उनके लिए मंदिर बनाया था कि जो वहां पे दर्शन नहीं कर पा रहे वो यहां पे आके भगवान विट्ठल का यहां पे दर्शन कर सके। और ये 7 से 8 दिन तक चला, जहां पे हजारों की संख्या में यहां पे भक्त आ रहे थे और भगवान विट्ठल का आशीर्वाद ले रहे थे। और आज इसका आखिरी दिन है। चलिए बात करते हैं प्रोग्राम का नरेंद्र मेहता से, कुछ लोगों से उन्होंने क्या कहा है कि 7 दिन तक। एक मिनट, तुमको वहां लेने का था ना। इस मीरा भाईंदर में आषाढ़ी एकादिन के दिन प्रति पंडरपुर मंदिर की स्थापना की थी, मतलब उसकी प्रतिकृति सेम टू सेम हमने यहाँ पर किया। और उसी अवसर को ध्यान में रखते हुए 7 दिन का कीर्तन महोत्सव था। अलग अलग सुप्रसिद्ध महाराज आए, कीर्तनकार आए, और आपने देखा होगा किस तरीके से भावी को 3-3 घंटे शांति से बैठ के कीर्तन सुन रहे थे। और हम सब कार्यकर्ता सभी भक्तगण का अभिनंदन भी करते, आभार भी व्यक्त करते जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्रतिसाद दिया। और हम इस शहरवासियों को विश्वास दिलाते क्या हर साल आषाढ़ी एकादिन के दिन यहाँ पे हम प्रति पंडरपुर की स्थापना करेंगे। हम चाहते हैं कि सभी पंडरपुर दर्शन को जाए, लेकिन जो नहीं जा सकते हैं वो सभी भक्तगण यहाँ पे आए और दर्शन ले सकते हैं, ऐसी कामना करते हैं। आज के अवसर पे मैं सभी कीर्तनकार महाराज का, सभी हमारे जितने भी कमेटी मेंबर है, भजन मंडली है और जितने भी हमारे इसके अंदर सहयोगी लोग हैं, उन सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि बहुत सुंदर व्यवस्था आपने की, निर्विघ्न ये कार्य पार पड़ा है। मैं सभी पंडितों का, ब्राह्मण का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने विधिवत स्थापना की, पूजन किया, आरती की। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मीरा भाईंदर सुखी रहे, समृद्ध रहे, मेरे शहरवासी सुखी रहे, समृद्ध रहे, ऐसी कामना करता हूँ। कुछ लोग ऐसा मानना है कि चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए कार्यक्रम कर रहे, इसके पहले क्यों नहीं किया, उनको क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, कहने वाले कहते रहेंगे, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने का ही है तो एक नहीं 10 कर लेना। अगर इसी से चुनाव जीता जाता तो एक नहीं 10, ये भावना और श्रद्धा से था। मैं उनको ऊंची राजनीति समझता हूँ जिसने उन्हें धार्मिक कार्यों को इससे जोड़ा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, मान लो ये है भी तो हर हिंदू व्यक्ति शुभ कार्य ही करता है ना चुनाव के समय। अब मैं कई सारी पूजा अर्चना करने वाला हूँ चुनाव को लेके, फॉर्म भरते समय करूंगा, रिजल्ट के समय करूंगा, तो आप क्या कहेंगे उसको? हिंदू व्यक्ति है तो वो भगवान को ही याद करेगा ना, और किसे याद करेगा? तो हमने भगवान की स्थापना पहले तो उस उद्देश्य से की नहीं, और मान लो वो उद्देश्य है भी तो गलत क्या था? हमने तो भाव और श्रद्धा से की थी, हमने भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े रूप में होगा। हमें लगा विट्ठल और रुक्माई की स्थापना कहीं करते हैं और सभी भक्तगण दर्शन को आए, लेकिन फिर मन में भाव अपने आप निर्माण हुए, भगवान की कृपा थी कि इतना सुंदर कार्य हमने किया। विकृत बुद्धि और नास्तिक लोगों से सावधान रहना चाहिए, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप समझ के चलिए। हमने फिर कहता हूँ कि हम सब ने श्रद्धा भाव से इसका आयोजन किया है, कोई भी इसे राजनीति से नहीं जुड़े। 8 दिनों के अंदर हमने कभी भी वोट की बात की क्या कहीं भी कि हमें वोट दो? कहीं भी आपको पार्टी का बैनर दिखा क्या?
तो अननेसेसरी वो चाहते हैं कि इसका फायदा, या भगवान करे, भगवान तो भगवान है तो किस तरह से फायदा करेगा उसको, आप रोके से नहीं रुकोगे, आपकी पूरा परिवार लग जाएगा तब भी नहीं रुकेगा। अगर हमने सच्चे भाव से किया है तो अवश्य उसका फल भी अच्छा मिलेगा। मैं ऐसी ये महाराष्ट्र में ये संत महंत की भूमि है, इस भूमि में बड़े बड़े संत यहाँ पे हुए, और आषाढ़ी एकादशी जो है ये बहुत बड़ा महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, विठ्ठल भगवान को यहाँ पे पूजा जाता है। पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी की जो यात्रा रहती है, उस यात्रा के निमित्त लाखों भाविक लोग जो पंढरपुर को विठ्ठल के लिए दर्शन के लिए जाते हैं विठ्ठल जी के, तो क्या होता है अभी मीरा भाईंदर शहर में लगभग 15 लाख लोग हैं, तो जो संकल्पना यहाँ पे हमारे माजी आमदार नरेंद्र मेहता जी ने लेके आए, वो इसके लिए लेके आए कि इस शहर में जो विठ्ठल के भक्त हैं और जो पंढरपुर नहीं जा सकते हैं तो उनके लिए अपन कुछ करना चाहिए, और ये सब जो हुआ है ये विठ्ठल महाराज के आदेश से ही हुआ है। उन्होंने जो लोग वहाँ पे जा नहीं सकते, जो भक्त जन है, उनके दर्शन के लिए यहाँ पे प्रति पंढरपुर की स्थापना यहाँ पे की। तो प्रति पंढरपुर बनाते टाइम एक कल्पना और ध्यान में आई, अगर प्रति पंढरपुर बनाना है तो वहाँ पे भजन कीर्तन विठू नाम का गजर होना चाहिए, तो विठू नामाचा गजर, गजर विठू नामाचा, इस नाम से ये सप्ताह पूरा भजन कीर्तन में रंगा, और यहाँ पे लाखों भाविक भक्तों ने यहाँ पे जो विठ्ठल भगवान प्रस्थापित हुए उनके दर्शन। पहले तो रामकृष्ण हरि सबको, जो 7 दिन से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, जो मेहता जी ने यहाँ पे आयोजित किया है, मीरा भाईंदर के सारे लोग इतने खुश है और इतने अच्छी तरह से यहाँ पे कीर्तन भजन हो रहा है, और सब लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की है प्रसाद के रूप में, वो भी बहुत अच्छी सी की है, सब लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और किसी का भी दिल नहीं कर रहा है कि ये अंत हो या ये खत्म हो, और सब लोगों की यही आवेशा है कि अगले साल इसी वक्त ऐसी तरह से हो और हमेशा होते रहे, और हम यही ये करते हैं ईश्वर चरणी के जय जय पांडुरंगा, मेहता जी को अच्छी से हेल्थ रखे, उनका अच्छा हमारे लिए जो किया है उसके लिए बहुत बहुत। आपके माध्यम से मीरा भाईंदर शहर के समस्त जनमानस को पवित्र श्रावण मास की अनंत शुभकामनाएं, और कार्यक्रम के बारे में तो आपको पता ही है, मीरा भाईंदर शहर के समस्त जनमानस को पता है। मैं केवल इतना कहूँगा कि जो कार्यक्रम आषाढ़ी एकादशी के दिन हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी की सोच के अनुरूप प्रारंभ हुआ था, उसका आज अंतिम दिवस है, 7वां दिन है, और आप देख रहे हो यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में मीरा भाईंदर शहर के तमाम रहवासियों ने, भक्तगणों ने यहाँ पर भगवान पंडरीनाथ और रखुमाई माता का दर्शनों का लाभ लिया है और अपने जीवन को सफल बनाया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल एक ही था, जो लोग मीरा भाईंदर से पंढरपुर में नहीं जा पाते हैं उनके लिए यहाँ पर पंडरीनाथ भगवान के और रखुमाई माता के दर्शनों का लाभ उनको दिलाना, यही हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी की सोच थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोगों का प्रतिसाद मिला है उस दिशा में आगने वाले अनेक वर्षों तक यह प्रथा चलाते रहेंगे। पंडरीनाथ महाराज की जय। आपने यहाँ पे मीरा भाईंदर में प्रथम ही पहली बार हमारे लोक लाडले माजी आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी ने 65 फुट की एक मंदिर यहाँ पे प्रतिकृति पंढरपुर की यहाँ पे स्थापित की है, इससे 7 दिन की सप्ताह यहाँ पे हो रही है, हजारों की संख्या में भक्तगण यहाँ पे दिनचर्या रोज यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। कीर्तन का महोत्सव यहाँ पे बहुत ही मधुर महोत्सव यहाँ पे किया गया है, उसके साथ महाभोजन का भी आयोजन किया गया है, और इसी के साथ आपको एक लग रहा है कि सचमुच हम पंढरपुर आए हैं, पंढरीनाथ के विट्ठू माउली के हमने दर्शन लिए, और हजारों की संख्या में यहाँ पे भक्तगण वर्करीगण यहाँ पे उपस्थित रहे, और सचमुच मन धन्य हो गया, आनंदित हो गया, और मैं ही भगवान से चरणी प्रार्थना करूँगा कि ऐसे ही अगर भगवान की इच्छा ऐसे ही कार्यक्रम हर साल यहाँ पे होते रहे और सबको यहाँ पे पंढरपुर की ऑर्गेनाइजर्स को और खास करके मेहता जी को धन्यवाद करूँगा कि आज मीरा भाईंदर शहर में हमें इतना सुंदर दर्शन मिला है। राजनीतिक अपनी जगह पे, पर जब भी सामाजिक या ऐतिहासिक का कुछ सेलिब्रेशन होता है या धर्म का होता है, कहीं ना कहीं उनका पड़ाव हमेशा आगे रहता है। खुशी हुई, मैं खुद हूँ पंढरपुर जाने का हर साल सोचता हूँ, बट ट्रैफिक हो, टाइम हो या ट्रैवल कर रहा है, उस वजह से हम पंढरपुर जा नहीं सकते, और काफ़ी लाखों में भक्त आज विठ्ठल
भगवान का दर्शन लिए, अच्छा लगा है। हिंदू धर्म में जैसे श्री राम है और अपने विट्ठल भगवान है, इनसे अपने माता पिता की कैसा सेवा की जाती है, आई थिंक वो हमें याद आता है। तो इनका तो ऐतिहासिक है कि जब वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, भगवान ने जब दर्शन दिए, उन्होंने अपने माता पिता को प्रथम इम्पोर्टेंस दिया और बाद में भगवान को कहा आप थोड़ा रुको। तो कहीं ना कहीं हमको सीख मिलती है कि हमारी जो करंट जनरेशन है कि माता पिता ही आपके भगवान है, पहले उनका सेवा करो, बाद में बाकी का करो। और ऑर्गेनाइजर्स को खास करके मेहता जी का धन्यवाद। माजी आमदार नरेंद्र मेहता जी ने यहाँ पे भव्य दिव्य मंदिर का आयोजन किया हुआ है। पिछले 7 दिनों से हम सेवा में जुड़े हुए हैं और हजारों भाविकों यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ महाप्रसाद का भी लाभ उठाते हैं। हरी राम कृष्ण, हरी राम कृष्ण, जय विठला विठला विठला, पंढरपुर महाराज की जय, पंढरपुर महाराज की जय, रुक्मिणी माई की जय, जय विठला जय विठला।